अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज पाकिस्तान में चांद रात है और जो जो देख रहे हैं उन सबको तो पहले चांद रात मुबारक हो। और दुनिया में जहां जहां ईद हो चुकी है, जैसे गल्फ कंट्री, सऊदी अरब और इधर उधर, उनको ईद मुबारक जो जो वहां से देख रहे हैं। तो आज की वाइब, असद भाई भी साथ हैं, आज की वाइब किस चीज़ से रिलेटेड है? आज की वाइब इस चीज़ से रिलेटेड है कि बाबर भाई साहब उमरा के लिए गए थे और आज उनकी फ़्लाइट है वापसी के लिए। उन्होंने वहाँ पर ईद मना ली है और यहाँ पर आके दोबारा मनाएंगे। तो आज की वाइब उसी से रिलेटेड है कि उनका वार्म वेलकम करना। हमने एयरपोर्ट लेने चलोगे? एयरपोर्ट लेने जाएंगे और घर को कुछ लाइटन अप करेंगे और किलावांगे बत्तियाँ लड़ियाँ, यानी लाइटें शाइटें लगाएंगे, जिसकी तैयारी मैं और असद कर रहे हैं, स्पाइया कर रहे हैं। तो कीप वॉचिंग दिस वाइब। कट कट। डेकोर का काम स्टार्ट हो गया और पीछे देख रहे होंगे लाइटें, इसका भी मैं आपको सारा एक वॉक अराउंड कराता हूँ। बॉयज़ तैयार हैं जी काम करने के लिए। बॉयज़ बात सारी यह है कि एक दिल की खुशी होती है, चूँकि भाई का पहला उम्र है तो उनका वार्म वेलकम तो बनता है। घर पे वापस आ रहे हैं अल्लाह के घर से, तो साथ साथ आपको मैं अपनी वाइब भी दिखाता हूँ कि भाई कैसे चल रहा है। और रही बात शॉपिंग की, ईद की शॉपिंग की, तो सब बिजी हैं। सफ़ीर भाई साहब भी शॉपिंग करने गए हुए हैं, बाबर भाई साहब के भी कपड़े आ गए हुए हैं, मैं भी ले आया हूँ, असद भी ले आया है, आदिल कामिल रूहान जो कज़न है साथ, वो भी ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ गए हो? जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। हाँ जी, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक निकलते हैं, ये डेकोर पूरा करवा के। आपकी चांद रात वाली शॉपिंग हो गई, आ जाओ आप भी, आ जाओ आ जाओ। सारी शॉपिंग के पहले हो गई, लेकिन चांद रात को जाना जरूरी है। जी, कब जा रहे हैं आप लोग? भाई बस थोड़ी देर तक चलते हैं, अब हम निकल रहे हैं और आप यहाँ पर इंतजाम पूरे करवाओगे। देखो अभी कौन कौन चलता है, मैं और असद जाएंगे शायद। अच्छा सफीर, ईद की शॉपिंग पूरी? ऑल डन। व्हाट अबाउट यू? सब कुछ। असद? ऑल डन। नहीं जाने दिया ना तुम्हें वापस तुम्हें यहीं रखना, तुम्हें ईद के बाद ही भेजेंगे। अब ये सफीर भाई साहब ना बाहर से फिर के आ गए हैं और आके ना वो क्या करता है हम पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस देता है। ये क्या किया? वो उधर काम करवा दे भाई, ओ भाई उधर काम करवा दो। बाइक चलाए बहुत देर हो गई है भाई। वो आजकल बंद की हुई है बाइकिंग। अच्छा उनको समझा दो ना कैसे करना है। हाँ देखा, मेन इंस्ट्रक्शन यही है। हाँ बांस लगवाए हैं, साल बाद इतने बढ़ते हैं। एक कुछ पिलर पे लगा और ये सामने वाले पे लगा, ये जो पिलर है ना। चलो मैं दिखे थे इनका प्लानिंग कर लेना। इन दोनों का ना पूछ रहा हूँ कि कोई ब्लॉग में ये शर्ट आई है कि नहीं, तो ये मुझे कह रहे हैं कि ये नहीं आई। और मुझे लग रहा है कि किसी ब्लॉग में ये मैंने शर्टा सब दिया तो, सांझी होंदिया ने शर्टा सारियां सांझी होंदिया। हम कर रहे हैं इंतजार और थोड़ा काम करवा रहे हैं और फैसल भाई गए हैं बाहर, तो ये हमारी लाइट हो गई है बंद। हम जैसा तुमने कहा मैंने सही करवाओ, तुम इधर आके वीडियो बनवाई जा रहे हो। खैर इधर आओ। हाँ जी, तो हम वेट कर रहे हैं बाहर भाई का और फैसल भाई, लोग अभी निकलने लगे हैं तो उनका कैमरा क्या कह रहे हो? अच्छा सही। अच्छा हम बाहर क्या गए? अल्लाह सफीर, लगता है तेरा चैनल बनाना पड़ेगा। चैनल मैं कह तो रहा हूँ, मुझे बताएं, मैंने लोगों से पूछा है कि कमेंट करके बताएं कि मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ अच्छी कि नहीं। थ्रू चैनल काम कर सकते हो। हैं कैमरा से ना ले जाना। हाँ बोल ले जितना बोल। कोई नहीं, मैं अपना कैमरा यूज कर लूंगा, फैसल भाई कराने दूंगा।
कौन सा सीसीटीवी? सो व्यूवर्स, हम सफीर भाई को घर छोड़ के अब एयरपोर्ट जा रहे हैं, बाकी की अरेंजमेंट्स वो करवाएगा और हम चले एयरपोर्ट पे ताकि टाइम से पहले पहुंच जाए। तेरी मेहरबानी है, आज ना रास्ता बोल भाई, ठीक है। मुझे लगा कि तू एक कट गलत ले आया, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। सही है ना। हाँ जी, फाइनली पार्किंग मिल गई है और अब जा रहे हैं अराइवल पे। हाँ जी भाई साहब, बहुत आई टोल्ड यू टू पार्क समवेयर। ये सामने जगह खाली थी यार, ये देख, ये देखिए, और बहुत मुश्किल से लगाई है यहाँ पे। अभी जा रहे हैं एंड काफ़ी दूर लगा दी गाड़ी, कुछ नहीं होता, अब ऑप्शन ही ये था। चलो कोई बात नहीं, अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। असद किधर जा रहा है यार, नीचे वेट करते। मैंने एरोप्लेन देखा। क्या देखना? एरोप्लेन। जहाज नहीं देखा कभी? इधर तो छोटा जा बच्चा। असद साहब स्पेशल ऊपर डिपार्चर वाली साइड पे ले आए हैं कि मैं जहाज देखना है। गाड़ी बहुत दूर लगा ली असद भाई साहब, गाड़ी नजर आ रही तुझे? ये क्या जूम कर रहे हो? आगे नजर उस तरफ है, खुशबू आ गई, तेरे खुशबू आ गई गाड़ी। जहाज उतर गया, जिस तरह उसने ब्रेक लगाई है ना, ये पापी आइएगा नहीं, उसने ब्रेक लाई है जो पूरी पैर ना हैंड ब्रेक की थी, उन्हें चप्पल फसाई है जहाज से, जहाज रुक गया है। पायलट अब टोकन ले रहा है, वो बैठा हुआ है ना एक बंदा, नंबर लिख रहा है, जहाज का नंबर लिख रहा है, फिर वो स्टैंड पे लगाएगा। क्या कह रहा भाई? मैं कह रहा था उधर पार्किंग लगा रहे। माशाल्लाह बाबर जी, वेलकम बैक, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सुकून आया होगा वहाँ पर, अलग फीलिंग है, बहुत अलग फीलिंग है अल्लाह के घर जाके। तो डेफिनेटली बात है भाई, आप अल्लाह के घर में जाते हो तो अलग फीलिंग होती है, उससे बेहतरीन फीलिंग कोई नहीं ना दुनिया की। कोई चले आप घर चलते हैं, घर में सब फैमिली वाले इंतजार कर रहे हैं आप। अच्छा, और मैंने सारी भी करनी है। अजान शैतान, अजान हो गई, नीयत कर लो, डायरेक्ट नीयत कर लो नमाज की। अस्सलामुअलैकुम। चाचू हियर। माशाल्लाह। वेलकम बैक। भाई आपके लिए पहला उमरा किया आपने, माशाल्लाह। और मुझे भी तो लाओ, मैं मिलना है, ये पकड़े आप, ये ले। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मिला नहीं। भाई मुझसे भी मिलो, लेके आया नहीं मिले। हाँ जी भाई, वेलकम बैक। माशाल्लाह, डैड को क्या गिफ्ट कर रहे हैं बाबा भाई? गलाफे काबा, गलाफे काबा। माशाल्लाह, ये ले भाई, ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पे जो होता है। माशाल्लाह,
सो व्यूवर, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपनी ये पर्सनल लाइफ कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएं, अपनी खुशी को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की ये वाइब इतनी ही थी, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।